पर चैनल। कैसे हैं आप? मैं आशा यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज है शिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज तो मेरा व्रत भी है, आज ना सबका व्रत होगा क्योंकि आज शिवरात्रि है। अब मैं सबसे पहले भगवान की पूजा करती हूँ। मैंने अच्छे से मंदिर में पोंछा लगा लिया है, सब साफ़ कर लिया, और अब मैं भगवान की पहले पूजा कर लेती हूँ। फिर मुझे दूसरे एक मंदिर पर भी जाना है जहाँ शंकर जी का काफ़ी पुराना मंदिर है, उस मंदिर पर भी मुझे जाना है। और आज ना सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज व्रत भी था, शिवरात्रि भी है और आज व्रत भी है। और आज घर पे ना सबने नहा लिया, बच्चों ने भी नहा लिया और मेरे हस्बैंड ने भी नहा लिया, तो हम सब लोग आज मंदिर भी जाएंगे। पहले घर की पूजा कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर मंदिर जाते हैं। जो हमें जो वहाँ पर शंकर जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है वो, काफ़ी मतलब बहुत पहले का पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो पहले करते हैं पूजा, भगवान को ये फूल चढ़ा देते हैं। अभी हमारे गार्डन में कोई फूल नहीं लगे हैं, ये तो कृष्णा से मंगवाए थे, पेट्रोल पंप पर काफ़ी फूल लगे हैं तो ये फूल वहीं से तोड़कर लाया था कृष्णा। मुझे ना पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि एक एक चीज़ बिल्कुल सही विधि तरह से पूजा करो तो ज़्यादा मन लगता है, और जल्दी जल्दी पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसलिए बैठकर तसल्ली से आराम से पूजा करती हूँ मैं, तो मुझे तो कम से कम आधा एक घंटा तो लग ही जाता है। अच्छे से भगवान को नहलाओ, फिर मंदिर साफ़ करो, सब कुछ पूरा एक घंटा लगता है मुझे तो पूजा करने में। घर की पूजा कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके बाद जाते हैं मंदिर। अभी ये पूजा कंप्लीट होने में ही काफ़ी समय लगेगा मुझे। अब मेरी मंदिर की पूजा कंप्लीट हो गई है, अब मैं थोड़ा ये जल तुलसी पे चढ़ा देती हूँ। तुलसी हमारी गार्डन में है, जो मतलब अभी तुलसी घर हुआ नहीं बना, एक गमले में तुलसी लगा कर रखी है मैंने पूजा के लिए। ये है हमारा गार्डन जहाँ अभी कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं लगा है। अभी तेज़ धूप पड़ रही है इस वजह से गार्डन में कोई फूल वगैरह कुछ पेड़ पौधे नहीं लगवाए हैं। और अब ये सूरज भगवान को थोड़ा जल चढ़ा देते हैं। सूरज भगवान को रोज़ जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, मैं तो रोज़ जल चढ़ाती हूँ सूरज भगवान पर और तुलसी पर भी। अभी गार्डन सूना सूना लग रहा है क्योंकि यहाँ कुछ फूल वगैरह पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है इस वजह से। और अब हम चलते हैं मंदिर, घर की पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं जाती हूँ मंदिर जो पास में ही है, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा भी दूर नहीं है। तो हम सब लोग जाते हैं अब मंदिर, वहाँ देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। आज तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा। अब हम आ गए हैं मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा मंदिर, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब काफ़ी पुराना है, मैं तो इसको काफ़ी सालों से भी देख रही हूँ और मेरे आने से पहले भी ये काफ़ी पुराना मंदिर है।
तो अब हम सब लोग आ गए हैं मंदिर, और यहाँ अभी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है। अंदर जाके पता चलेगा कि कितनी भीड़ है मंदिर में। यहाँ तो भीड़ कम है, पर मंदिर के अंदर सब लोग पूजा कर रहे हैं। मंदिर के अंदर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, इस वजह से मुझे बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा अभी तो कुछ टाइम, थोड़ी देर तक। अब चलते हैं हम मंदिर मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी, फिर भी मैंने पूजा कर ली। मंदिर की पूजा हो गई है और अब मैं लगा रही हूँ मंदिर की फेरी, क्योंकि मंदिर की फेरी भी लगाना ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी मंदिर बने हुए हैं जिनकी भी पूजा कर लेते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है ये, इसलिए काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। देखो कितने पुराने मंदिर हैं ये, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। अब मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मैंने यहाँ की पूजा कंप्लीट कर ली है। आज तो सुबह से उठकर ही बस पूजा ही पूजा हो रही है, पहले घर की पूजा की, फिर यहाँ मंदिर की, और आज भोलेनाथ को बेलपत्री वगैरह भी सबको चढ़ानी थी, इस वजह से आज मुझे यहाँ मंदिर आना पड़ा, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं आती हूँ। आज शिवरात्रि थी, इस वजह से मुझे इस मंदिर पर आना पड़ा। और अब हम आ चुके हैं अपने घर पर, और घर की पूजा तो मैं पहले ही करके चली गई थी, अब मैं सामान रख देती हूँ घर पर। गाइस, आप सब लोगों को मेरा मंदिर, ये छोटा सा मेरा प्यारा सा मंदिर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो गाइज, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे न्यू ब्लॉग्स एंड न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आती है, और आप उन्हें देखते रहें और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।